देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स, मैं हूं शहनवाज बदर। इस वक्त सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के सीतानाबाद त्रिकुर्दू कन्या विद्यालय बूथ नंबर कितना 128 पर हूं, और आप देख सकते हैं कि यहां चार बूथ हैं। आप थोड़ा कैमरा से मैं बूथ की तरफ दिखाएं, ये चार 128 और यहां इस वक्त वोटिंग चल रहे हैं, और वोटिंग परसेंटेज जो है वो भी तकरीबन 20 के करीब है। क्या आप यहाँ के स्थानीय हैं? जी जी। किस तरह की यहाँ वोटिंग मतलब जो है प्रतिशत कमने का कारण है कि ईवीएम मशीन में खराबी हो गई, और कई बार सूचना देने के बाद भी मतलब ठीक करने के लिए आए, फिर मतलब जो है खबर किया गया, फिर मशीन बदला गया, जिसके वजह से मतलब वोटिंग जो है देर से शुरू हुई, इसलिए परसेंटेज कम है। और अभी लोग लंच का टाइम हो गया, मतलब जो है आ रहे हैं। जावेद साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज का जो वोटिंग चल रहा है, क्या किस जो विकास की बुनियाद पर आप लोग वोट कर रहे हैं, या फिर जातिवाद का ज़्यादा असर है? नहीं सर, इस बार विकास ही मुद्दा है, एजेंडा तय हो गया कि युवा का इस बात बहुत बोलबाला है, पूरे युवा ने तय किया कि इस बात को इसलिए अदब फुलाना है, इसलिए पूरा का पूरा बिहार में एक लहर चला हुआ है, पूरा का पूरा परिवर्तन की लहर है, और जो महागठबंधन है उसका ज़बरदस्त असर है। ये असर के वजह से कुछ लोगों ने ऐसा हो के कि जो बुद्ध को भी बटन को भी मशीन को भी ख़राब करने की कोशिश किया कि कम से कम पोलिंग हो सके, दो तीन बार चेंज किया हम लोगों ने करवाया, उसके अलावा कई बार कॉल करने के बावजूद भी, और सहरसा से भी खबर आया, और भी जगह से खबर आया कि मशीन ख़राब है, ताकि किस तरह से इस महागठबंधन की लहर को रोका जाए, वरना कोई असर नहीं पड़ा। अभी जो वोट का परसेंटेज आपको कम दिखाई पड़ रहा है, ये उसके वजह से है, लेकिन सब लोग अभी खाने पीने के लिए घर चले गए खवातीन वगैरह, अब सब आएंगे दोबारा, और जहाँ तक परसेंटेज कम से कम 70% जाना चाहिए इस बार, और इतना इंशाल्लाह पूरा होता रहेगा। इस वक्त हम पर्री में हैं, और सहरसा विधानसभा में यहाँ के जो वोटरान हैं, आइए उनकी राय जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है। मतदान चल रहा है, मतदान चल रहा है, और नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में बिहार में फिर से एक बार मजबूत एनडीए की सरकार बनने वाली है। हम लोग उसी उम्मीदवार को नरेंद्र मोदी जी के काम पे वोट करने वाले हैं। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे हिंदुस्तान जानता है, सब जानता है कि ये मोदी जी की सरकार है, और मोदी जी के साथ हम लोग हैं, और सबका साथ सबका विकास, जय हो। बिल्कुल, और किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं आप लोग? मेरा मानना है कि लोकतंत्र में जो लोग विश्वास करते हैं वो सरकार के बदलाव को ही हम वो ज़्यादा ज़रूरी है लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए कि सरकार 5 साल पर बदलती रहे। हालांकि ये गलती हम 15 साल तक नहीं कर सके, लेकिन अब ये गलती नहीं करेंगे, हम हर 5 साल पर सरकार बदलेंगे, और इस बार सरकार बदल रही है, और पूरा बिहार जिस हवा में बह रहा है, परड़ी गांव भी उस हवा में बह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या सरकार हो, क्या सरकार हो, यहाँ पे जो भी प्रत्याशी है सब गलत है, यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी किशोर कुमार मुन्ना जीतेगा, ये सब बेकार बवा रहा है। अच्छा, यहाँ पे मुन्ना का लहर है। हाँ भाई, आप क्या कहेंगे? बोलिए बोलिए बोलिए। कोई भी नेता में अगर मान के चलिए बीजेपी के बाद कोई भी सहरसा से खड़ा है तो वो मुन्ना जी है, नहीं तो बीजेपी आलोजन, हम लोग बीजेपी आलोजन उनको नहीं, मोदी जी को जानते हैं, मोदी जी के नाम से हर घर हर घड़ी हर हर मोदी के नाम से जयकार गूंज रही है भारत सरकार। चलिए चलिए चलिए, जी जी जी, बोलिए बोलिए, चलिए। यहाँ से आलो भैया आलोक रंजन जो है बिहार के घर का बीजेपी नेता से पैसा दे के टिकट का खरीद फरोख्त किया है, जिसके कारण बीजेपी का जो जमीनी स्तर का लीडर है सहरसा विधानसभा क्षेत्र के, उसको टिकट नहीं मिला, जिसके कारण लोग आक्रोश में हो करके लवली को सपोर्ट कर रहे हैं। सर, एनडीए की सरकार तो बेटर है ही, इसमें तो कहीं दूर है नहीं है, लेकिन कुछ बेरोजगारी है, जिस बेरोजगारी को हटाने की जरूरत है, और नीतीश जी वाकई में थक गए हैं, ये बात है, नीतीश जी वाकई में थक गए हैं, थक इसलिए गए हैं कि एनडीए का दूसरा कैंडिडेट का जरूरी है। अच्छा, थक इसलिए नहीं गए हैं, हम 35 का है, हमारे अकाउंट पर है 4,000, और तेजस्वी के अकाउंट पर है करोड़ों रुपया, यदि वो 10 लाख को नौकरी देना चाहते हैं तो भाई वही करोड़ों में से कन्वर्ट करके नौकरी दीजिए ना। फिलहाल में जो है 1 क्विंटल धान बेचते हैं तो आधा मन आलू होता है, आधा मन धान बेचते हैं तो 1 किलो गोभी होता है,
कैसे हम लोगों का गुजर जाएगा, किसान को तो खा गया लोग। बिल्कुल, तो क्या होगा इस मरतबा? इस मरतबा हम ऊपर वाले से कहते हैं जी सरकार को बदल डालो। बिल्कुल, सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें।